बहुत दर्दनायक स्थिति वहां उत्पन्न हुई। मैंने गांव की जनता से भी कहा है कि आपके संकट के समय में मैं उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन सरकार को भी उनके साथ खड़ा रहना ही होगा। चाहे वो मुआवजा के मुद्दे पर हो, हमारे दोनों विधायक और हमारे मंत्री जी गोविंद सिंह जी भी बैठे हैं, पूर्व विधायक हेमंत कटारी जी भी बैठे हैं। खाते से बीमा काटा है, उन बीमा कंपनियों को भी इस प्राकृतिक आपदा में किसानों को मुआवजा राशि उपलब्ध करानी चाहिए। और जहां राज्य सरकार और बीमा कंपनियों का दायित्व है, वहीं केंद्र सरकार का भी दायित्व है, क्योंकि केंद्र सरकार को संपूर्ण देश को देखना पड़ता है और केंद्र सरकार के पास एक केंद्र आपदा कोष स्थापित है जो ऐसी स्थितियों में मुआवजा प्रदेश सरकारों को देती है ताकि जनता तक पहुंच पाए। कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने 7,500 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है उसमें जल्द से जल्द कार्य प्रणाली के आधार पर जल्द से जल्द राशि स्वीकृत होकर मध्य प्रदेश सरकार को भेजा जाए ताकि इन जिलों में वो राशि वितरण हो पाए किसानों को और अधोसंरचना के लिए। आज की जो संगोष्ठी में अपना ध्यान आकर्षित किया